अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टूडेंट्स हमारी डायमेंशन के टॉपिक का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर डायमेंशन का दिया है उसमें हमने तरीका सीखा था कि हम कैसे डायमेंशन को डिटरमाइन करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, और हमने 6 to 7 एग्जांपल्स भी उस लेक्चर में कम्प्लीट कर ली थी। जिस तरह हम डायमेंशन का रूट मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, देन वी हैव टू नो द यूनिट, उसका यूनिट पता होना चाहिए। जस्ट आपको जब यूनिट पता चल जाता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी डायमेंशन आ जाती है। जो हमारे कोर्स में हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, लेंथ, मास और टाइम की। लेंथ की जहाँ जहाँ डायमेंशन आएगी इसका मतलब है लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और डायमेंशन में हम एल पुट करेंगे। केजी मास का यूनिट है, उसकी डायमेंशन में हम कैपिटल एम पुट करेंगे, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है जिसकी डायमेंशन में हम कैपिटल टी पुट करेंगे। आज कुछ नए फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ मैं आया हूँ आपके पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट डाउन किया है इन क्वांटिटीज़ की, मैंने आज फिजिकल डायमेंशन निकाल के आपको दिखानी है। इससे पहले जो हमने लेक्चर दिया था आपको उसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी थी, एरिया था, वॉल्यूम था, डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स, ये तमाम सारी चीज़ें थी। आज जो डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ मैं मोमेंटम की, टॉर्क, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसके अलावा हम निकालेंगे डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, विच इज़ जी। जो कैपिटल जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, हम उसकी भी डायमेंशन आज निकालेंगे आपके साथ। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंटम है तो स्टूडेंट मोमेंटम का सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। आइए देखिए, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर वन स्टेप फॉर्मूले का होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट। अब मैं सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ, तो मास का यूनिट स्टूडेंट होता है केजी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, मास का यूनिट मैंने केजी लिखा है, वेलोसिटी यूनिट मैंने मीटर पर सेकंड रखा है। अब आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई से मुराद ये है कि आप इसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं विद द नेगेटिव साइन, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम हैज अ यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो दो स्टेप थे कंप्लीट कर लिए हैं, फॉर्मूला लिखा मैंने और यूनिट को मैंने यहाँ तक लेके आया। लास्ट स्टेप विच इज़ डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जहाँ जहाँ केजी आ रहा है, केजी इज़ द यूनिट ऑफ मास, आप उसकी जगह कैपिटल एम पुट करेंगे, देन स्मॉल एम विच इज़ मीटर, मीटर की जगह आप एल पुट करते हैं, और सेकेंड जो है वो टाइम का यूनिट है, लिहाजा मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो आपके पास आ जाएगी एम एल टी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोमेंटम की डायमेंशन हो गई। अब हम चलते हैं टॉर्क की जानिब, तो स्टूडेंट देखें टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क की डायमेंशन हमने कल भी निकाली थी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन, क्योंकि वर्क डन और टॉर्क का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ उनमें वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो स्टूडेंट आपके पास होता है एफ क्रॉस आर, एफ इज़ द फोर्स अप्लाइड एंड आर इज़ द मोमेंट आर्म। ठीक है, जब फोर्स को मोमेंट आर्म से का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपके पास टॉर्क आता है। हमें इस वक्त डायमेंशन निकालनी है, फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, अब हमने जाना है यूनिट पे। जब आप टॉर्क के यूनिट की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और मोमेंट आर्म चूँकि एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड स्टेप में यूनिट्स लिखे तो आप यहाँ कहेंगे सर फोर्स का यूनिट न्यूटन लिखा है, लेकिन न्यूटन की डायरेक्ट कोई डायमेंशन नहीं है, लिहाजा आपने न्यूटन को और स्प्लिट करना होगा। कल लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि इस चीज़ को याद रखना हमेशा, न्यूटन बराबर होता है, जो न्यूटन का यूनिट है वो इटसेल्फ बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात जो है वो आपको समझाई थी कि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। लिहाजा जहाँ जहाँ आप डायमेंशन निकालते हुए आपको न्यूटन नज़र आए वहाँ आप क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, आप पुट करेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन के जो है इक्वल, आपने लिख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन मल्टीप्लाइड विद द मीटर ऑफ मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म का यूनिट मीटर मैंने एंड पे लिख दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल टॉर्क का यूनिट आएगा वो आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस इज़ द फाइनल यूनिट ऑफ टॉर्क।
अब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे काम करना है। के जी जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ हम डायमेंशन एम यूज़ करते हैं, लेंथ जहाँ लिखी हुई है वहाँ डायमेंशन एल यूज़ करेंगे, और टी में टाइम में टी यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज़ द फाइनल डायमेंशन ऑफ टॉर्क। आप देख सकते हैं कि वर्क डन की डायमेंशन भी सेम है जो हमारे पास टॉर्क की डायमेंशन है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। नंबर थर्ड है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। बात करेंगे फिर से हम अपने रूट की। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अब अगर मैं आपसे यूनिट की बात करूं तो यूनिट में आप देखें फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। बेसिकली जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इटसेल्फ बराबर होता है पर सेकेंड के। देख सकते हैं आप, वन तो वन रहेगा, वन एक नंबर है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। टाइम पीरियड क्वांटिटी है, और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो स्टूडेंट सेकेंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट वन अपॉन सेकेंड आया है, यानी पर सेकेंड। आप इसको एस माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनली फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड आ चुका है। अब आपसे इसकी डायमेंशन पूछी जाएगी, तो डायमेंशन में आप लिख सकते हैं ना आपके पास केजी है ना आपके पास मीटर है, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ सेकंड, और सेकंड की जगह हम लिखते हैं टाइम पीरियड। तो आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की वो है टी माइनस वन। इससे स्टूडेंट हमने मोमेंटम की डायमेंशन भी निकाली है, टॉर्क की भी डायमेंशन आपके सामने है, और फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन आपके सामने है। अब मैं निकालूंगा एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। उसके लिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लाजमी पता होना चाहिए। काइंडली इसको रब कर लेते हैं पहले, देन फिर हम रिमेनिंग क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं एंगुलर वेलोसिटी की अब डायमेंशन निकालूंगा। हम ये तीनों निकाल चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। आप देख सकते हैं सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा मैट्रिक क्लास में आपने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में शायद ना पढ़ा हो। फर्स्ट में आप चैप्टर नंबर 4 में ये दोनों क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अभी जिन स्टूडेंट्स को एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले नहीं पता, मैं उन्हें उनको भी फॉर्मूला बताने लगा हूँ। इंशाल्लाह 4 चैप्टर की वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, दिस इज ओमेगा, और उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा अपॉन टाइम, डेल्टा थीटा का मतलब होता है स्टूडेंट्स के चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट दूँ तो देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी बराबर होती थी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। दिस वी इज लीनियर वेलोसिटी। अगर गाड़ी चल रही है तो वो लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रही है, मैं अगर भाग रहा हूँ तो वो लीनियर वेलोसिटी के साथ भाग रहा हूँ, ये लीनियर वेलोसिटी है। और जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ वो लीनियर डिस्टेंस है। ठीक है, यानी स्ट्रेट पाथ पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये लीनियर डिस्टेंस है। मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया हूँ तो डिस्टेंस जो है वो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लीनियर है, और इसमें मेरी वेलोसिटी भी लीनियर होगी। जबकि एंगुलर वेलोसिटी तब होती है जब हमारी डिस्प्लेसमेंट लीनियर ना हो, हमारी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हो, हम एंगल की फॉर्म में मूव करें। कैसे मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर पाथ की एग्जांपल दूं मैं आपको। एक सर्कुलर पाथ पे मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, सेंटर ये है। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो आप कहेंगे सर आपने इतना एंगल जो है वो डिस्प्लेस कर लिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस वक्त वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो तय कर ही रही होती है, साथ साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तय करती है। लिहाजा डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, अगर एक बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है लिहाजा उसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी। उसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, और अब हम जाएंगे उसके यूनिट की तरफ। ये हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इंशाल्लाह चैप्टर 4 की वीडियोज़ में आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद डायग्राम्स एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेगी इस वीडियोज़ के अंदर, तो आप देखिएगा। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ फॉर्मूले के बाद यूनिट की तरफ, ओमेगा का यूनिट। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, थीटा, थीटा इज द एंगल, एंगल के दो यूनिट्स होते हैं डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ एंगल थीटा, चाहे थीटा हो चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, अगर एंगल है
इसे मेजर कर रहे हैं आप, तो उसके दो यूनिट होते हैं डिग्री एंड रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, दो यूनिट होते हैं डिग्री एंड रेडियन। और हम जब भी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसमें थीटा का जो यूनिट है वो हम रेडियन पुट करते हैं। लिहाजा आप ये कहेंगे सर इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसमें रेडियन यूनिट होता है एंगल का और सेकेंड यूनिट है आपके पास टाइम का। अब बात आती है डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हम फॉर्मूला भी कर चुके हैं, यूनिट भी कर चुके हैं, डायमेंशन पे आना है। आपको डायमेंशन दी गई है तीन चीज़ों की, लेंथ, मास और टाइम। आप देखें रेडियन जो है आपके पास ना लेंथ है ना मास है ना टाइम है, लिहाजा रेडियन को हम डायमेंशन में कंसिडर नहीं करेंगे और हम रेडियन की जगह लिख देंगे वन अपॉन सेकेंड। याद रखिएगा सेकेंड को क्यों नहीं वन किया, चूँकि सेकेंड की डायमेंशन है हमारे पास जो कि टी है। रेडियन की जगह मैंने यहाँ पर वन पुट कर दिया है। और अब अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी को यूँ लिख दूँ तो शायद आपको कोई परेशानी ना हो, अगर इस सेकेंड की पावर यहाँ पर डिनोमिनेटर में वन थी ये ऊपर आके न्यूमरेटर में माइनस वन हो जाएगी। लिहाजा अब हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं और डायमेंशन लिखते हुए हम ये देखते हैं अगर यूनिट आपका सेकेंड है तो आपकी डायमेंशन टाइम होगी। लिहाजा जब भी आपसे एमसीक्यूज़ में सवाल किया जाएगा या जो है एग्ज़ाम में पेपर में कभी भी सवाल आ जाए कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ टाइम इनवर्स टी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन कर ली। और अब मैं जाऊँगा एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हैं, रेडियन पर सेकेंड, जो कि आपको आगे काम आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यूनिट क्या है इसका, इसको शो करते हैं अल्फा से। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से शो करते हैं, इसी जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ बताएं स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होता है तो आप कहेंगे सर एक्सेलरेशन आपने पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल, आप 9 मैट्रिक क्लास में पढ़ के आते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट लीनियर वेलोसिटी अगर चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि गाड़ी मूव कर रही है, मैं भाग रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दी थी वैसे ही वहाँ दूंगा। अगर एक गाड़ी मूव हो रही है, चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पे, या मैं स्ट्रेट पाथ पे रनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी जो वेलोसिटी है वो लीनियर वेलोसिटी है और मेरे अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो लीनियर एक्सेलरेशन है। जबकि वही मिसाल दूंगा, अगर मैं सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा हूँ, सर्कुलर ट्रैक पे मूवमेंट के दौरान मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो इट विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इसके यूनिट पे, यूनिट क्या होगा अल्फा का या एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो आप देखिए स्टूडेंट ओमेगा का जो यूनिट होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि आपको याद रह जाए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। लिहाजा व्हेन रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड इट विल गिव यू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे मैं कहूँ वेलोसिटी का यूनिट क्या है, आप कहते हैं मीटर पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन का हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ इसमें चेंज क्या आ रहा है, मीटर की जगह हम रेडियन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम अब डिस्प्लेसमेंट की जगह हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। लिहाजा जहाँ जहाँ आपके पास मीटर होगा वहाँ वो रेडियन बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात करेंगे कि रेडियन को हम वन करेंगे जबकि नीचे सेकेंड स्क्वायर होगा और सेकेंड स्क्वायर का मतलब है एस टू द पावर माइनस टू। फाइनल स्टेप में इसका आप डायमेंशन लिखेंगे और डायमेंशन होगी टी टू द पावर माइनस टू। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को भी कर दिया, इसकी डायमेंशन हम निकाल चुके हैं आपके सामने। अब हम जाएंगे कैपिटल जी विच इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी डायमेंशन निकालेंगे। जी इज़ अगेन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
सॉरी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट नॉट ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन विच इज़ दैट विल बी स्मॉल जी. कैपिटल जी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है जो कि आपका ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कहलाता है. इसकी वैल्यू 6.67 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट इसके पहले स्टेप पे जाना है, हमें इसका फॉर्मूला देखना है, तो जी का फॉर्मूला, कैपिटल जी का फॉर्मूला अक्सर स्टूडेंट को याद नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जिस फॉर्मूले में हमारे पास कैपिटल जी यूज़ होता है हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे और वहाँ से जी को सेपरेट आउट करेंगे. तो आइए स्टूडेंट देखते हैं इधर. F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. दिस इज बेसिकली द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. उस लॉ के तहत हमारे पास ये फॉर्मूला आता है जो कि हम छोटी क्लासेज में पढ़ के आ रहे होते हैं, और यकीनन इस फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम चैप्टर नंबर 3 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं फॉर्मूला आपके सामने ये है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. मैंने F की डायमेंशन नहीं पूछी आपसे, ना मैंने R की पूछी है, ना मैंने मास की पूछी है. मैंने आपसे पूछी है जी की डायमेंशन. इसका मतलब आपको इस फॉर्मूले से जी का फॉर्मूला खुद ड्राइव करना होगा, निकालना होगा. कैसे निकालेंगे? आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ के साथ, एंड एम वन एम टू जी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नीचे जाकर एफ से डिवाइड हो जाएंगे. इस तरह जी का एक फॉर्मूला आपके सामने आएगा, एंड दैट इज़ एफ मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन इन टू एम टू. ये फॉर्मूला जी का मेरे सामने आ चुका है, यानी फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं फॉर्मूले का. नेक्स्ट स्टेप होता है यूनिट्स का. तो आइए स्टूडेंट अब हम यूनिट्स देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है पार्ट है जी की डायमेंशन निकालने का, क्योंकि अक्सर और बेशतर फर्स्ट ईयर के MCQs में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, और MCQs सॉल्व करते हुए आप इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करते. आपको फॉर और ऑन द स्पॉट जो है वो डायमेंशन याद होनी चाहिए जी की, ठीक है. प्रोसीजर भी पता हो आपको और याद भी होनी चाहिए आपको डायमेंशन, ठीक है. नाउ स्टूडेंट F का यूनिट वापस से मैं लिखूंगा यहाँ पे न्यूटन, चूँकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जबकि R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज. डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन यहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर R का स्क्वायर है. देन अगेन नीचे मास है. अब बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं इस M में और इस M में. स्टूडेंट ये स्टेप वन था, यहाँ से स्टेप टू स्टार्ट किया है मैंने. स्टेप टू में हम यूनिट्स लिख रहे हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे. इसका मतलब जब यूनिट में M नज़र आए आपको, इसका मतलब होता है मीटर, ठीक है. लेकिन फॉर्मूले में जब एम नज़र आए तो इसका मतलब होता है मास, केजी. मास एम वन का यूनिट केजी होगा, जबकि एम टू का यूनिट भी केजी होगा. ये दोनों केजी में डील किए जाएंगे. अब अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो मैं यहाँ यही लिखूँगा. देख सकते हैं आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. न्यूटन की जगह मैंने लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे केजी मल्टीप्लाई बाय केजी इट विल गिव यू केजी स्क्वायर. नाउ आप देखें कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है और कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपको पता चलेगा ये केजी इस एक केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक केजी बच जाएगा, और न्यूमिनेटर में आपके पास एम मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर इट विल गिव यू एम क्यूब मल्टीप्लाई बाय एस माइनस टू डिवाइडेड बाय केजी. तो अब स्टूडेंट देखें कि आपके पास केजी डिनोमिनेटर में चला गया है, ठीक है. एम एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया एम क्यूब हो गया, जबकि सेकंड सेकंड स्क्वायर यानी से एस की पावर माइनस टू ऐसे ही आपके पास रिमेनिंग है. यहाँ पर केजी डिवाइड में है, जब आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो जी का फाइनल यूनिट आपके सामने आएगा केजी माइनस वन मीटर क्यूब सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. इस यूनिट को अब आप डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे. देखिए डायमेंशन में एम के जी और एस आना चाहिए. एम फॉर मीटर विच इज़ लेंथ, के जी फॉर मास विच इज़ एम, एंड एस फॉर सेकेंड विच इज़ टाइम. तो यहाँ पे आप डायमेंशन क्या लिखेंगे जी की, एम माइनस वन एल क्यू एंड टी माइनस टू. दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ जी. स्टूडेंट से याद कर लें आप, और इसके पूरे प्रोसीजर को समझ लें अच्छे तरीके से. ये डायमेंशन बहुत दफ़ा MCQs में पूछी जा चुकी है पिछले जो है, अगर 25 ईयर्स के MCQs देखें आप, उसमें बारह ये चीज़ पूछी जा चुकी है. तो इस तरह हमारी तमाम तरह डायमेंशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक दूसरा टॉपिक भी है, दूसरा टॉपिक नहीं इसको कहेंगे कि एक और सवाल की मद में वो पूछा जा सकता है डायमेंशन. वो क्या सवाल आ सकता है पेपर्स में, वो आता है करेक्ट द फॉलोइंग डायमेंशनली. करेक्ट द फॉलोइंग, नीचे आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है, एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, इक्वेशंस दी जाएंगी, जिसे आपने डायमेंशनली करेक्ट करके दिखाना होगा, शो करना होगा यस दे आर डायमेंशनली करेक्ट.
तो जहनों में एक सवाल आएगा कि हाउ टू करेक्ट एनी इक्वेशन डायमेंशनली, किसी भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को डायमेंशनली करेक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है स्टूडेंट? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस वक्त मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं डायमेंशन निकाल के दिखाऊं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो टॉपिक हम कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर नाम देके पूछा जाएगा कि बताएं इसकी डायमेंशन क्या है, तो हम वो प्रोसीजर सीख चुके हैं कि पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, देन यूनिट्स और देन डायमेंशन, और हमें एक डायमेंशन हमारे पास आएगी हर फिजिकल क्वांटिटी की, हम उसे बता देंगे। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर एक इक्वेशन है। आप देख सकते हैं इसमें वेलोसिटी भी है, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। ये सब इन्वॉल्व है एक इक्वेशन के अंदर। ये इज इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है कि वी एफ बराबर है इस चीज़ के। आपने क्या शो करना है कि एक ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये होता है कि जो डायमेंशन राइट हैंड साइड पे आएगी वही डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी आफ्टर सॉल्विंग। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो डायमेंशन आएगी वही राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आपकी डायमेंशन आई, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सॉल्व करूँ, मेरा आंसर आए एम एल एम एल, जबकि इसको सॉल्व करने में मेरा आंसर है एल इंटू टी एल इंटू टी। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये इक्वेशन इक्वल ही नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है, इनकी बोथ साइड पे डायमेंशन जो है वो बराबर नहीं आ रही हैं। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, डायमेंशनली करेक्ट करना है हमने इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन ली है मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, इसको सॉल्व करने लगा हूँ मैं, डायमेंशनली करेक्ट करूँगा। आप सबसे पहले इक्वेशन को वापस से लिख लें। मैंने लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया उसमें आपको तीन स्टेप बताए थे कि फॉर्मूला देन यूनिट्स एंड देन डायमेंशन। इसमें अच्छी बात यह है कि जब भी आपको इक्वेशन के बारे में बोला जाएगा तो इक्वेशन आपको वो देंगे। इक्वेशन देने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला पहले से उन्होंने बता दिया कि ये फॉर्मूला है, बस आपने क्या करना है इनके यूनिट्स पुट करने और यूनिट्स के बाद इनकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर इक्वेशन में तमाम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स पुट करूँगा और यूनिट्स को सॉल्व करके मैं इसकी डायमेंशन निकालूंगा। ये काम करते हुए, किसी भी चीज़ को डायमेंशनली करेक्ट करते हुए, आपने चंद बातों का ख्याल रखना होता है। जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको साथ साथ सॉल्व करने के दौरान बताता जाऊंगा। जैसे कि पहली बात यह है कि जितने भी इसमें कांस्टेंट नंबर दिखें आपको, जितने भी किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर दिखेंगे हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। डायमेंशन का कोई लेना देना नहीं होता किसी भी कांस्टेंट नंबर से। अब आप कहेंगे सर इसकी एग्जांपल, तो इसकी एग्जांपल थोड़ी देर में अभी आपके सामने आएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कहां पे हम ये पॉइंट को फॉलो करेंगे। अभी आ जाएं, हमें इसके यूनिट पुट करने हैं। देखें स्टूडेंट्स, वी एफ इज़ द वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू वी आई का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, चूँकि ये भी वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी हैं, दोनों का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, देन आप चाहें तो इस सवाल को डायमेंशनली करेक्ट को जो है वो राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को बाद में सॉल्व करें, ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों साइड्स को जो है वो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट प्रूव ये करना होता है हमें कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की जो डायमेंशन आ रही है वो हमारी सेम आ रही है, दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। आइए स्टूडेंट, प्लस एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये किसका यूनिट लिखा मैंने एक्सेलरेशन का, देन टाइम का यूनिट है मेरे पास सेकेंड। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। मैंने सब के सब जितनी भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज थी मैंने सब के यूनिट्स लिख लिए हैं आपके सामने, तो मैं फॉर्मूले से यूनिट पे जा चुका हूँ। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, देन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सेकेंड का यूनिट है टाइम का यूनिट है सेकेंड, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अब आप गौर करें तो आपको पता चलेगा मीटर पर सेकेंड को मैंने फिर से ऐसे ही लिख दिया, यहाँ मीटर पर सेकेंड ऐसे ही है। यहाँ पे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके एक सेकेंड से एक सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या बचा स्टूडेंट, मेरे पास बचा फिर से मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड। तो आप कहेंगे सर मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड इट मीन्स टू मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि हम कभी भी यहाँ पर जो है कांस्टेंट नंबर को फोकस नहीं कर रहे होते, क्योंकि अगर आप टू कर भी लेंगे तो टू का कोई फ़ायदा नहीं है, टू एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ स्टेप पे आके हमें दूसरी बात सीखने को मिली कि जब भी हम किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करेंगे तो पहली बात हम निग्लेक्ट कर देंगे कांस्टेंट नंबर्स को, सेकेंड बात हमने ये सीखी कि जब भी बीच में दो टर्म्स के बीच में प्लस होगा या माइनस होगा एक इक्वेशन की साइड पर
दोनों टर्म्स में प्लस हो या माइनस हो, हम प्लस और माइनस के ऑपरेशन को अप्लाई नहीं करते, हम उसकी जगह एक ही दफ़ा, यानी अगर मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड लिखा है तो हम एक ही दफ़ा यहाँ लिख देंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये रूल्स अपने पास मेंशन करें। हाँ, अगर कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो हम लाजमी करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखें आप, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई के नतीजे में सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया। इसका मतलब डायमेंशंस करेक्ट करने के लिए हम इक्वेशन में जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है उसे लाजमी रूल्स के तहत फॉलो करेंगे उसको और करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन अगर दो यूनिट सेम यूनिट्स आपस में प्लस हो रहे हैं या दो सेम यूनिट आपस में माइनस हो रहे हैं, बहुत गौर से जुमले को सुनना, अगर दो सेम यूनिट आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, यानी दे आर, इफ़ दे आर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग, देन You don't have to write or you don't have to add or subtract those terms. Rather, you just have to write once a unit. ठीक है, एक दफ़ा आप इन दोनों यूनिट में से एक यूनिट लिख देंगे। और अब आप देखें बोथ साइड पे, आप यहाँ पे देखें तो आप पर लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी आपके मीटर पर सेकेंड है और लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर पर सेकेंड है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे अपने आंसर को छोड़ देते हैं और बोलते हैं इट इज़ प्रूव्ड, जबकि अभी तक मैंने डायमेंशन निकाली ही नहीं, अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स पे काम कर रहा था, मैंने फॉर्मूले को देखे, यूनिट्स देखे, अभी मैं उनको सिंप्लीफाई कर रहा था। सिंप्लीफाई जब एट दी एंड हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको डायमेंशन में ज़रूर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमने शो क्या करना है कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, फाइनल आंसर मैं ऐसे दूंगा, जहाँ एम है वहाँ पे मैं मीटर है क्योंकि मैं लेंथ पुट करूँगा, और जहाँ सेकेंड है वहाँ मैं टाइम पुट करूँगा, इसी तरह मैं यहाँ पे करूँगा। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो मैं अपने जवाब में आखिर में ये लिखूँगा कि ये हो गई हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन की है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम, हाउ टू करेक्ट एनी इक्वेशन डायमेंशनली। आपको वो इक्वेशन पता होनी चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा इसका, आपको इक्वेशन गिवन होगी या आपको पता होगी, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप इसका क्या होगा, यूनिट्स। आप जो भी इक्वेशन गिवन है उसके यूनिट्स आपने मेंशन कर देने हैं, जहाँ जहाँ जिस क्वांटिटी यूनिट है आपने यूनिट मेंशन कर देना है। फिर आपने निग्लेक्ट करना है किसको, कांस्टेंट वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज को निग्लेक्ट करना है, और नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of two terms having same units, same unit रखने वाली दो terms को ना add करना है ना subtract करना है। It means simple हो जाएगा, जब भी आपको equation मिलेगी उसमें जितनी भी term आएंगी left hand side पे right hand side पे, उन सब के units obviously बात है same होंगे, और जब same होंगे तो हम ना उनको plus करेंगे ना उनको minus करेंगे, जबकि हम उसको एक ही दफ़ा mention करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहें अपनी तरफ से, कोई पॉइंट्स आपको समझ में आए इस क्लास के अंदर, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये तीन से चार पॉइंट काफ़ी हैं डायमेंशन को करेक्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स मैं जाऊंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। आपने परेशान नहीं होना स्टूडेंट, आपके सामने इक्वेशन गिवन है और आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। पहला स्टेप था इक्वेशन गिवन होगी जो कि हमें गिवन है, ठीक है। हाँ, अगर इक्वेशन में ये लिख दिया जाए, सवाल में ये आ जाए आपके एग्जाम में कि आपने डायमेंशनली करेक्ट करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो फिर आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन खुद लिखनी होगी, जो कि ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं आप और आपको याद होगी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप ये है कि मैंने इसको यूनिट्स, इसके तमाम तर यूनिट्स लिख देने हैं। तो आप देखें स्टूडेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर, ठीक है। मीटर हो गया किसका यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का। देन आपको जाना है इज इक्वल टू के बाद वी आई वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। उसके बाद प्लस प्लस, अब आप ये देखें स्टूडेंट, ये जो हाफ है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट नंबर है, हाफ एक कांस्टेंट नंबर है, और उसने कहा निग्लेक्ट कर दें कांस्टेंट वैल्यूज़ को, जो भी कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, हाफ में कोई यूनिट नहीं छुपा हुआ,
हाफ जस्ट एक नंबर है, और डायमेंशन में जो फोकस होता है स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे फोकस होता है, वैल्यूज़ पे फोकस नहीं किया जाता। लिहाजा मैं प्लस के बाद हाफ नहीं लिखूंगा, जबकि मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का यूनिट जो कि क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखूंगा। देखा स्टूडेंट आपने, वेलोसिटी की का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड, हाफ को निग्लेक्ट कर दिया, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आखिर में लिखा हुआ है टाइम का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और सेकेंड का स्क्वायर। अब आप देखें स्टूडेंट कितना आसान हो गया, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई और डिवाइड लाजमी होगा, वहाँ पे लिखा है कि सिर्फ नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म्स हैविंग सेम यूनिट्स, दो टर्म ऐसी जिनकी सेम यूनिट्स होंगे उनको कभी आप ऐड नहीं करेंगे या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हैं। देखें सेकेंड जो है मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी से, तो सेकेंड सेकेंड क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ m है, m फॉर मीटर, राइट हैंड साइड पे आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ m बचा मीटर प्लस, और यहाँ पर भी सिर्फ m बचा मीटर। अब आपके पास वही सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने पॉइंट नंबर 4 लिखा है यहाँ पर कि मीटर प्लस मीटर, वैसे तो आप कहेंगे मीटर प्लस मीटर 2 मीटर्स, अगर आप इसको 2 कर भी लें तो फिर आपको समझ में आएगा ये 2 किसी काम का नहीं है मेरे, क्योंकि मुझे बताया गया था कि निग्लेक्ट करना है कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को, 2 मेरे किसी काम का नहीं है। लिहाजा इस पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि अगर प्लस हो माइनस हो सेम यूनिट से, अगर दोनों के मीटर यूनिट है तो आप उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, इसमें कोई जो है हर्ज नहीं होगा, और फाइनली आपके पास देखें दोनों मीटर बराबर आ गए, मीटर इज इक्वल टू मीटर, जो डायमेंशन आपकी राइट हैंड साइड पर आएगी वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी। मीटर की डायमेंशन होती है स्टूडेंट लेंथ एल, तो आप कहेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डायमेंशनली करेक्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, देखें कितना आसान टॉपिक है और एग्जाम में आ जाता है, बाजू का 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी करें। यहाँ मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली है, और अब मैं जाऊँगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जो कि है 2as is equal to vf square minus vi square। यहाँ पे फिर मैं 2 को निग्लेक्ट कर दूंगा क्योंकि 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, इज इक्वल टू वी एफ वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस दोबारा वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर दो सेम यूनिट हैं सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इन्हें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इनका जो यूनिट है वो एक दफ़ा यहाँ पर मेंशन कर देंगे, क्योंकि आपको बताया कि डायमेंशन निकालते हुए कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होती दो टर्म्स आपस में जिनका सेम यूनिट होता है, जबकि उन्हें सिर्फ एक दफ़ा लिख लिया जाता है। लिहाजा इसका यूनिट बनेगा मीटर स्क्वायर इंटू एस माइनस टू और मीटर स्क्वायर इंटू एस माइनस टू। यहाँ पर आप अगर डायमेंशन लिखें तो एम की डायमेंशन एल और एस की डायमेंशन माइनस टी माइनस टू, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डायमेंशनली प्रूव कर लिया। इस तरह हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है डायमेंशनली करेक्ट का, और इस चैप्टर के पास दो ही वैल्यू थे, दो ही टॉपिक थे इस चैप्टर में जो कि दोनों हमने कवर कर लिए। लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।